हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी में एब्डोमेन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एब्डोमेन पार्ट वन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ एब्डोमेन, तो स्टार्ट करते हैं। द एब्डोमेन इज द रीजन ऑफ द ट्रंक दैट लाइज बिटवीन द डायफ्राम अबव एंड द पेल्विक इनलेट बिलो। तो एब्डोमेन हमारे पास एक रीजन होता है ट्रंक का, जो कि इसके बीच में लाई करता है। ऊपर इसके डायफ्राम होता है और नीचे इसके पेल्विक इनलेट होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रंक में कौन सा रीजन एब्डोमेन होता है, एक डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये देखें आप, ये हमारे पास एक एब्डोमेन की डायग्राम है। तो देखें, ऊपर हमारे पास डायफ्राम है और नीचे यहाँ पे ये पेल्विक इनलेट है। तो एब्डोमेन हमारे पास ऊपर डायफ्राम से शुरू होता है और नीचे पेल्विक इनलेट पे खत्म होता है। तो ये हमारे पास एब्डोमेन का रीजन है। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक दूसरी डायग्राम है एब्डोमेन की। ये हमारे पास एब्डोमेन का रीजन है और ये एब्डोमेन में हमारे पास अम्ब्लाइकस है और ये हमारे पास पैराम्ब्लाइकल रीजन है। ये हमारे पास एब्डोमेन का रीजन है। ऊपर डायफ्राम होता है, नीचे पेल्विक इनलेट होता है। दिस इज अ प्राइमरली सॉफ्ट टिश्यू रीजन विथ लिटिल बोनी फ्रेमवर्क। एब्डोमेन हमारे पास प्राइमरली एक सॉफ्ट टिश्यू रीजन होता है। इसमें बोनी फ्रेमवर्क बहुत कम होता है, मतलब एब्डोमेन में सॉफ्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है और बोन्स बहुत कम होती हैं। देयरफॉर एन इंटैक्ट एब्डोमिनल वॉल इज एसेंशियल फॉर द सपोर्ट ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स। इसलिए हमारे पास एब्डोमिनल वॉल का इंटैक्ट होना ज़रूरी है ताकि वो एब्डोमिनल कंटेंट्स को सपोर्ट कर सके। अगर एब्डोमिनल वॉल का कोई ट्रॉमा हो जाता है तो फिर हमारे पास एब्डोमिनल कंटेंट सपोर्ट नहीं हो सकेंगे। इसलिए हमारे पास इंटैक्ट एब्डोमिनल वॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू होता है, ज़्यादा बोन्स नहीं होती। कॉमन एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स इंक्लूड अक्यूट पेन, स्वेलिंग्स एंड ब्लंट एंड पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। जो कॉमन एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमारे पास अक्यूट पेन आ जाता है, स्वेलिंग्स होती हैं एब्डोमिन में, ब्लंट या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होते हैं, मतलब कोई हमारे पास गन से शूट कर दे एब्डोमिन में या कोई चाकू से मार दे एब्डोमिन में। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एब्डोमिन की प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट द एब्डोमिन कंटेन्स मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं क्योंकि एब्डोमेन में हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। फर्दर द फिजिशियन कैन फील मेनी एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू द फ्लेक्सिबल एब्डोमिनल वॉल। और हमारे पास जो फिजिशियन होता है वो बहुत सारे एब्डोमिनल कंटेंट्स को फ्लेक्सिबल एब्डोमिनल वॉल से फील कर सकता है, मतलब जब वो एब्डोमेन की एग्जामिनेशन करेगा उसे बहुत सारे एब्डोमिनल कंटेंट्स फील हो जाएंगे। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑर्गन्स टू वन अनदर एंड टू द एब्डोमिनल वॉल इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट एंड कम्प्लीट डायग्नोसिस। इसलिए हमारे पास एब्डोमेन में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है उसको समझना ज़रूरी है ताकि हम एक एक्यूरेट और कंप्लीट डायग्नोसिस कर सकें। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।